नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। कब्र के अंदर अज़ाब होता है या नहीं होता है, ये जानने के लिए एक लड़की अपने साथ कैमरा लेकर के कब्र में एक मुर्दे के साथ लेट जाती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वीडियो की सच्चाई मुसलमानों तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ख़ास करके ये वीडियो तब वायरल हुआ जब इस वीडियो के ऊपर ये जो आलिम साहब हैं या जो भी मुस्लिम यूट्यूबर हैं, इन्होंने जब इस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई उस वायरल वीडियो को असली और सच्चा समझ रहे हैं, जबकि हकीकत और सच्चाई कुछ और ही है। क्या है हकीकत और सच्चाई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आइए ज़रा वायरल वीडियो देख लेते हैं। वीडियो के कुछ सीन ऐसे हैं जो हमें ब्लर करने पड़ेंगे, वरना यूट्यूब वीडियो डिलीट करवा देगा। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह हु अकबर, ये वीडियो हमारे तुम्हारे लिए एक इबरतनाक वीडियो है और ये दिल दहलाने वाली वीडियो है। इस लड़की ने इस कब्र के अंदर चाहा कि मैं इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर मंजर क्या होता है आप खुद समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ये हमारे तुम्हारे लिए बहुत ही इबरतनाक मंजर है। आज हम दुनिया में रहकर बहुत सारे गुनाह करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, लोगों को सताते हैं, और हम ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं कि हमें परवाह नहीं होती है कि हमारा कब्र में जाके हिसाब किताब होगा किस तरीके, अल्लाह का अजाब किस तरीके से होगा। आज हम ये सोच लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम कुछ भी नहीं देख सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहां अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई हो तो हमारे सामने क्या हो सकता है। इस कब्र के अंदर ऐसा खौफनाक मंजर है, आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और इससे इबरत हासिल करें। इस वीडियो को तमाम दोस्तों, तमाम मुसलमानों के पास शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर करने से हर दोस्त, हर मुसलमान इस वीडियो को देखे और इससे इबरत हासिल कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इस वीडियो को ओरिजिनल सच्चा समझ करके वीडियो के नीचे कमेंट में अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, तौबाएं कर रहे हैं। उन मेरे मुसलमान भाइयों को बता दूं कि ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है। इंडोनेशिया के अंदर एक फिल्म बनाई गई थी, हॉरर फिल्म बनाई गई थी, सिक्सा कुबूर। उस हॉरर फिल्म का एक ये सीन है जो आप देख रहे हो, ये है इस वीडियो की सच्चाई। अब हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहेंगे कि अगर इबरत हासिल करने के लिए ये वीडियो देखा जाए तो क्या गलत है। मेरे मुसलमान भाइयों, इस फिल्म के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो खातून है वो एक तरह से अदनंगी है, नीम बरहना है, जिसे देखना भी हराम है। आप ये वीडियो देखने के बाद क्या इबरत हासिल करोगे। अजाब एक कब्र होता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। हमारे नबी की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं सबूत के तौर पर। इबरत हासिल करनी है तो हमारे नबी की वो हदीसें पढ़ो, ख़ास करके हमारे नबी की वो हदीस जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सोचा मैं अल्लाह से दुआ करूं कि वो तुम्हें अजाब कब्र सुना दे, लेकिन फिर मुझे ये अंदेशा हुआ कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे अगर अजाब कब्र सुन लोगे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अजाब कब्र को हम न इन कानों से सुन सकते हैं, न इन आँखों से हम देख सकते हैं, न ये दुनियावी कैमरे अजाब कब्र को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक फिल्म का सीन है। जिस हजरत ने भी इस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाया है, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, हुजूर ये फिल्म का सीन है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान अब अदनंगी खवातीन वाली फिल्मों से इबरत हासिल करेंगे, इस तरह नहीं है। इबरत हासिल करने के लिए हमारे नबी की अहादीस मौजूद हैं, मुसलमानों को वो हदीसें पढ़ने के लिए कहो। इंशाअल्लाह मुसलमान जब वो हदीसें पढ़ेंगे तो सही तरह से इबरत हासिल करेंगे। वीडियो की सच्चाई आप तक पहुंच चुकी है, अब आगे मुसलमानों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इसलाह करें। अस्सलामु अलैकुम।